अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ सैयद राहिल मुजव्विर और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 20 से दैट इज़ व्हाट इज़ अ जीन। एक्चुअली जीन क्या है उसकी सारी इसमें उन्होंने थ्योरी को और उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया। सो सबसे पहले दो डॉक्टर्स थे, गैरेट एंड बैटरसन, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चूँकि वो ज़्यादा फैमिली डॉक्टर्स थे, डिफरेंट फैमिलीज को ट्रीट करते थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कुछ डिजीज़ हैं वो कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ में ज़्यादा हैं और कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ में कम हैं। और उन्होंने ज़ाहिर है उन फैमिलीज़ की काफ़ी जनरेशन को, दो तीन जनरेशन को एग्जामिन किया था और उन्होंने गैरेट ने कंक्लूड किया कि कुछ डिजीज ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि वो रिसेसिव एलील्स इकट्ठे हो जाएँ और वो आपस में प्रोडक्ट बना लें, यानी दो रिसेसिव एलील्स अगर किसी एक बंदे में इकट्ठे हो जाएं तो वो उसके अंदर डिजीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ डिजीज़ मौजूद थी और उसने कहा कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये डिजीज़ हैं, ये मेंडेलियन ट्रेट्स में डिस्टर्बेंस की वजह से हैं और जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उनके अंदर कुछ चेंज हो गया है इन्फेक्टेड फैमिलीज में, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्लो कर रहे हैं। फिर एक एग्जांपल है एलकैप्टनेरिया। एलकैप्टनेरिया के अंदर जो पेशेंट्स यूरिन प्रोड्यूस करते हैं उनमें होता है होमोजेंटिसिक एसिड और ये जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करें, जिससे यूरिन जो है वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उनमें होमोजेंटिसिक एसिड ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो गैरेट ने ये कंक्लूड किया कि वो पेशेंट्स जो कि एलकैप्टनेरिया से सफ़र कर रहे हैं उनमें एक ऐसा एंजाइम या प्रोटीन मौजूद नहीं है जो कि होमोजेंटिसिक एसिड को ब्रेक कर सके। ठीक है, तो उसने स्पेकुलेट किया, उसका अंदाज़ा ये था कि जो दूसरी इनहेरिटेड डिजीज़ हैं वो भी किसी न किसी एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो पर्टिकुलर एंजाइम को स्पेसिफाई करने के लिए डीएनए है क्रोमोसोम पे वो डैमेज हो चुका है किसी वजह से। फिर बीडल एंड टॉटम दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यूएस में, 1941 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज परफॉर्म की और उन्होंने ये बात साबित की कि एक्चुअली जो एंजाइम है उनको कोड करते हैं जीन्स, उनकी इन्फॉर्मेशन जीन्स के पास मौजूद होती है। और इन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम में जानबूझ के डेलिब्रेटली खुद से मेंडेलियन ट्रेट्स में म्यूटेशंस की और उनको नाम दिया मेंडेलियन म्यूटेशन चूँकि वो मेंडेलियन ट्रेट्स में हो रही थी और फिर इनके अफेक्ट्स को स्टडी किया ऑर्गेनिज्म्स को। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि न्यूरोस्पोरा लिया, फंजाई लिया, उसको एक्सपोज किया एक्सरेज में, जाहिर है एक्सरे जो है वो डीएनए को डैमेज करेगी, ये उनकी एक्सपेक्टेशन भी थी कि जो स्पोर्स उनके प्रोड्यूस होंगे उनमें डीएनए जो है वो कुछ रीजन्स के अंदर डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से उनमें जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो कुछ कंपाउंड्स बनने होंगे वो उनमें नहीं बन सके। ठीक है, अब जो चेंज डीएनए में इस तरह की उसको म्यूटेशन बोलते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में हो उसको म्यूटेंट्स कहा जाता है और जो जैसे एक्सरे है जो कि ये म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं उनको म्यूटाजेंस कहा जाता है। अच्छा, अब इन्होंने इन इंडिविजुअल फंगल के जो सब कल्चर है, कल्चर सब कल्चर क्या होता है कि आपने कल्चर ग्रो किया फंगस को किसी लैब के अंदर किसी एक जगह पे मीडियम पे ग्रो किया, फिर आपने उस फंजाई में से कुछ फंजाई लेके मजीद फंजाई ग्रो करना शुरू कर दी, इसको सब कल्चरिंग कहा जाता है। और उन्होंने इंडिविजुअल फंगल सेल्स को ग्रो किया मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम ऐसा मीडियम होता है कि पहले उसमें डिफाइंड मीडियम पे ग्रो किया। डिफाइंड मीडियम क्या होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, विटामिंस हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अब डिफाइंड मीडियम का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी डेफिशिएंसी की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में कोई कंपाउंड नहीं भी बन रहा तो वो चूंकि डिफाइंड मीडियम में मौजूद होगा तो वो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो कर जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि न्यूरोस्पोरा के वो स्पोर्स जिनको उन्होंने एक्सरे में एक्सपोज किया, जिनको इरिटेटेड स्पोर्स का नाम दिया गया, उनको डिफाइंड मीडियम में ग्रो किया। तो डिफाइंड मीडियम में अगर कोई एक्सरे की वजह से किसी प्रोडक्ट को बनाने की डेफिशिएंसी हो भी गई है तो डिफाइंड मीडियम उस कमी को पूरी कर देगा। फिर उन्होंने इन इंडिविजुअल्स को, इन इरिटेटेड स्पोर्ट्स को, डैमेज स्पोर्ट्स को ग्रो किया मिनिमल मीडियम में जिसमें सिर्फ शुगर, अमोनिया या सॉल्ट्स, कुछ विटामिन होते हैं। अब जब ये मिनिमल मीडियम में ग्रो करेगा और आपने फ़र्ज किया इस मिनिमल मीडियम में आर्जिनिन को ऐड नहीं किया हुआ और एक्सरे से आर्जिनिन बनाने की इंफॉर्मेशन डैमेज हो चुकी है तो ये फंगस जो है वो ग्रो नहीं करेगी, और जब आप उसमें आर्जिनिन डाल देंगे तो वो ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ से ही आइडिया हो जाएगा कि एक्सरे की वजह से किस कंपाउंड को बनाने की इंफॉर्मेशन डैमेज हो चुकी है, आया वो आर्जिनिन बनाने की इंफॉर्मेशन डैमेज हुई है, आया वो विटामिन बी बनाने की जो एंजाइम की इंफॉर्मेशन डैमेज हुई है, या किसी और कंपाउंड को
बनाने की जो एंजाइम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका डीएनए डैमेज हुआ। तो इस तरह की से इन्होंने यूज़ किया इस प्रोसेस को, और एक्चुअली ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स यानी कि ऐसे म्यूटेंट्स जिनमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी वो आइडेंटिफाई किए। ठीक है, अब देखें कि ये एक्चुअली वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, ये न्यूरोस्पोरा ग्रो कर रहा है, इनको एक्सपोज किया एक्सरेज के अंदर, ठीक है, और ये मिनिमल मीडिया से फिर इनको आगे मजीद कल्चरिंग की गई। अब देखें फिर इनको ग्रोथ करवाई कंप्लीट मीडिया पे, इनमें म्योसिस होगी, स्पोर्स 8 स्पोर्स बन जाएंगे, फिर स्पोर लेंगे और इनको ये डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर डाला। ठीक है, अब होगा क्या कि इसके अंदर पाइरिडॉक्सिन ऐड कर दी, इसके अंदर ग्रो नहीं किया, इसका मतलब ये है कि पाइरिडॉक्सिन को बनाने की इंफॉर्मेशन डैमेज नहीं। ठीक है जी, इसके बाद इसके अंदर इन्होंने पी एम आनो बेंजोइक एसिड डाल दिया, इसमें भी कोई ग्रोथ शो नहीं, कोलीन ऐड किया, कोई ग्रोथ, इसमें सिर्फ कोलीन है और चंद और वाटर सॉल्ट्स वगैरह। इस टेस्ट ट्यूब में इनोसिटोल है, अगेन इनोसिटोल के डालने से भी ग्रोथ नहीं हुई, तो इट मीन्स कि एक्सरे ने इनोसिटोल बनाने की इन्फॉर्मेशन को डैमेज नहीं किया हुआ। लेकिन जो आर्जिनिन वाली ट्यूब है जिसमें इन्होंने आर्जिनिन को ऐड किया, उसके अंदर आप देख सकते हो कि न्यूरोस्पोरा ग्रो कर गया। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि जब इन्होंने एक्सरेज को यूज़ किया तो एक्सरेज की पावर की वजह से आर्जिनिन बनाने का जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसके एंजाइम्स डैमेज हुए हैं। चूंकि मिनिमल मीडिया में जब उन्होंने आर्जिनिन ऐड किया तो फंगस ने आर्जिनिन मीडियम से लेके अपनी जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी कर ली, यानी कि ये जितने भी कंपाउंड्स गिवन हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ आर्जिनिन बनाने का जो पाथवे था वो एक्सरे की वजह से डैमेज हुआ था। और फिर इसको उन्होंने नाम दिया था, कंक्लूजन ये निकाली कि आप मिनिमल मीडिया में वेरियस केमिकल्स ऐड करके आप पता लगा सकते हो कि पावरफुल रेडिएशन की वजह से कौन सा कंपाउंड बनाने का पाथवे डैमेज हो गया, और इन म्यूटेंट्स को उन्होंने नाम दिया था आर्जिनिन म्यूटेंट्स। ठीक है, सो अब इसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा हो जाना था इसलिए मैंने इस लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट किया। चलें जी, अपना ख्याल रखिए।